देख रहे हैं हिमाचल अभी तक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो शिमला से आ रही है। शिमला में रिज मैदान पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसे हरी झंडी दिखाई है, साथ ही सड़क हादसों में कमी लाना इस रेस का मकसद है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सड़क हादसों में जो कमी है उसे लाना रेस का मकसद बताया जा रहा है। तो मिनी मैराथन का आयोजन यहां पर किया गया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हरी झंडी इस मैराथन को दिखाई है और इस मैराथन रेस का मकसद है सड़क हादसों में कमी लाना। 3 किलोमीटर, 6 और 8 किलोमीटर 3 वर्गों में दौड़ को आयोजित किया जाना है और विजेताओं को नकद इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही पूरे सप्ताह जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी यहां पर दिलाई जाएगी। तो सड़क हादसों में कमी लाना इस मैराथन का मकसद है। साथ ही आपको बता दें पूरे सप्ताह जिले में तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। उन कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं जनता को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें रिज मैदान पर मिनी मैराथन आयोजित की जा रही है। तो शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हरी झंडी इस मैराथन को दिखा दी है और इस रेस का मकसद रहेगा कहीं ना कहीं सड़क हादसों में कमी लाना। और साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के साथ साथ 3 किलोमीटर, 6 और 8 किलोमीटर 3 वर्गों में ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। विजेताओं को नकद पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। पूरे सप्ताह जिले में कार्यक्रम रहेंगे, साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शिमला से। उमेश, तो इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, सड़क सुरक्षा को लेके जनता को, आम लोगों और स्कूली छात्र, कॉलेज यूनिवर्सिटी के युवाओं को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। और इस मैदान पर 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये मैराथन आयोजित की जा रही थी इन कैटेगरी में। और संदेश यही देने का कोशिश किया जा रहा है कि सड़कों पर पैदल चलने वाले की सुरक्षा कैसे हो, पैदल चलने वाले किन नियमों का पालन करें, जो वाहन चालक है वो कैसे चले, सड़कों पर कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, जो घटनाएं कम हो, चालक किस तरह से वाहन चलाए, उनके लिए क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए, पैदल चलने वालों के क्या नियम कायदे कानून है। और अपने को स्कूली बच्चे, खासकर फोकस एरिया यही है कि स्कूल के आसपास स्कूली बच्चे, युवा ये जागरूक हो, इनको जागरूक किया जा रहा है ताकि स्कूल वाहनों की जो दुर्घटना है उनको रोकी जाए, स्कूल के आसपास की जो दुर्घटना है उनको रोका जाए और तमाम तरह के जो एहतियात के उपाय ये भी बताए जाएंगे। जागरूकता एक संदेश देने के लिए बच्चे सबसे बड़े माध्यम होते हैं, उन्हीं बच्चों को आगे करके एक सड़क सुरक्षा के लिए पूरा सप्ताह डेडिकेट किया गया है। जो आज शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया इस कार्यक्रम को, उन्होंने ये भी ताकीद की है कि आने वाले टाइम में जो कानून लाया जा रहा है, परिवहन नीति जो स्कूलों को लेकर बनाई जा रही है वो बहुत सख्त होने वाली है और उसमें IPC धाराओं को जोड़ के ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कानून बना के इसके कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। तमाम तरह की ऐसी चीजें की जा रही है सरकार। हाल ही में जो दुर्घटनाएं, खासकर स्कूली बच्चों के साथ जो दुर्घटना हुई है उसके बाद सरकार जागरूक हो गई है। सरकार संदेश देना चाह रही है कि सरकार जागरूक है और सरकार किसी भी तरह से इसमें कोताही नहीं बरतना चाहती है। तो जी बिल्कुल उमेश, 3 वर्गों में जिस तरह से 3 वर्गों में इस दौड़ को आयोजित किया जा रहा है तो कितने स्कूली बच्चे, कितने धावक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं? देखिए, सैकड़ों की तादाद में बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। पूरे शिमला भर के स्कूलों के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। स्कूली बच्चों के साथ साथ दूसरे लोग, आम जनसाधारण भी इसमें भाग ले रही है। पुलिस, सेना, होमगार्ड, तमाम तरह के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। संदेश यही देने का कोशिश किया जा रहा है कि आज सुरक्षित रहेंगे कल सुरक्षित रहेगा। सड़कों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी जा रही है और जो इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी सजा का संदेश दिया जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है सरकार जागी है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये इस तरह के जो आयोजन है ये शिमला तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि प्रदेश भर में जहां सड़कों की स्थितियां दुर्गम है, सड़कें खराब है, वहां भी संदेश आएगा और सड़कों की हालत सरकार सुधारेगी, जो सरकार कह रही है। जी बिल्कुल उमेश, यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे, उनके अलावा कौन कौन लोग उनके साथ वहां पर मौजूद है? देखिए, शिमला के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, शिमला की मेयर है, डिप्टी मेयर है, बाकी और तमाम लोग हैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
अभी रिज मैदान पे ये आयोजन चल रहा है। आयोजन के समापन पे एक शपथ भी होगी जिसमें कि बच्चों को और आम जन साधन को ये शपथ दिलाई जाएगी कि वो सभी जो सड़कों में वाहन चलाते हैं, पैदल चलते हैं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे ताकि सड़कों पर होने वाले हादसों को टाला जा सके। जी बिल्कुल, जागरूकता के लिए तो इस रेस का आयोजन किया जा रहा है, बच्चों में कितना उत्साह है इसे लेकर? देखिए बच्चे हर बार जिस भी समारोह में बच्चों को ले आया जाता है, बच्चे बहुत उम्मीद बड़े हौसले और तमाम जो उनके अंदर जो ताकत होती है उस ताकत को इस्तेमाल करके जनसाधारण को संदेश देने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपने आप में एक संदेश बात होते हैं, बच्चे बहुत जागरूक हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, बच्चे खुश होकर इस दौड़ में भाग ले रहे हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि बच्चों के द्वारा घरों तक ये संदेश जाएगा, समाज तक ये संदेश जाएगा ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है कल के लिए सुरक्षित रह सके। शीनम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है, साथ ही सुरेश भारद्वाज ने हरी झंडी इस मैराथन को दिखाई है और जागरूकता के लिए इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।